नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक वास्तु ज्ञान में। मेरा नाम अवधीश कुमार है। आज मैं आपको एक औषधि के बारे में बता रहा हूँ जिसको हम कुकरौंदा के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान आप देख पा रहे होंगे, इसके जो पत्ते होते हैं वो कटे हुए होते हैं, देखिए वीडियो में देख पा रहे होंगे, और इसके पूरे पौधे पर वाइट कलर के रुइयाँ होते हैं, देखिए ठीक है। और जो बरसाती पौधा है जो बरसात के समय में होता है, और इसमें जो फूल आते हैं वो लगभग जनवरी फरवरी में ही फूल आते हैं इसके, ठीक है ना। आज हम इसके आयुर्वेद औषधियों में किन किन रोगों पर इसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, किन किन रोगों के लिए यह औषधि फायदेमंद है। प्राचीन काल में तो इसमें से कपूर भी निकाला जाता था, चीन में से इस पौधे से कपूर निकाला जाता था, जिससे को नांग कपूर और पक्षी कपूर के नाम से जाना जाता है। आज हम इसके औषधियों के बारे में जानेंगे, किन किन रोगों पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेट उधर कृमि, पेट में कृमि पड़ गया, बालकों को मैं यह समस्या ज़्यादा होती कृमि की, तो उसके लिए आप कृमि पड़ जाने पर इसके कुकरौंदा का रस निकाल लीजिए। बच्चों के लिए आप इसका 1 से 2 ग्राम की मात्रा दे सकते हैं। बच्चों को कृमि हो जाने पर कुकरौंदा का रस निकाल कर 1-2 ग्राम की मात्रा पिलाने से, 1-2 बार में ही पिलाने से ही पेट के सारे कृमि नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रयोग इसका, अगर मूत्र के साथ रक्त आता हो, रक्त गिरता हो मूत्र के साथ में रक्त आता हो, तो उसके लिए आप कुकरौंदे के पंचांग का रस निकाल कर लगभग 10 ग्राम की मात्रा में आप गोघृत मिलाकर, गाय का घी मिलाकर पिलाने से पेशाब से रक्त का जाना बंद हो जाता है। एक तो बर्फ पिलाने से पेशाब से रक्त जाना बंद हो जाता है, ठीक है ना। अब कुकरौंदे के रस का प्रयोग जो खनिज होते हैं उनके भस्म बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अभ्रक भस्म बनाने के लिए इसके रस की 10 भावना अभ्रक भस्म में इसके 10 फुट देने से लाल रंग की अभ्रक भस्म बन जाती है, और इसके रस के आप लोह भस्म, स्वर्ण भस्म और रोम भस्म बनाने के लिए भी इसके रस का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।